हेलो फ्रेंड्स, हम ऐसे बहुत सारे लोग एक्सेल की फाइल के अंदर काम करते हैं और एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स बनाकर रखते हैं। अगर मान लो फ्रेंड्स, आपको उन एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है वो आपको एक सिंगल एक्सेल फाइल के अंदर चाहिए, तो फ्रेंड्स वो सब कुछ आप कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश, स्वागत करता हूँ आपका टेक्डेटा चैनल में, जहाँ पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कैसे आप एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स के जो डेटा है उनको एक सिंगल एक्सेल फाइल के अंदर लेकर आ सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और एक सिंपल से ट्रिक से और सिंपल से तरीके से। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे आप एक्सेल की मल्टीपल शीट्स के जो डेटा है उनको एक सिंगल एक्सेल की शीट के अंदर लेकर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप देखेंगे कैसे आप एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइल के अंदर उनका डेटा लेकर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने एक्सेल की चार फाइल बना के रखी है, जैसे दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और रिजल्ट है। तो इन तीनों फाइल्स के अंदर, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर मेरे स्टूडेंट से कुछ रिजल्ट हैं, कुछ डेटा है। जैसे सबसे पहले मैं दिसंबर की फाइल को ओपन करता हूँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिसंबर की फाइल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं, जिसके अंदर उनके नेम लिखे गए, मार्क्स लिखे गए, सब्जेक्ट हैं और उनके टोटल हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सेम टू सेम इसी तरह से जो उनके जनवरी के मार्क्स मेरे पास पड़े हैं और मेरे पास उनके फरवरी के मार्क्स पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ ये तीनों मंथ का जो मेरा रिजल्ट है, जो डेटा है, या फिर आप कह सकते हो टेबल है, ये सारा का सारा रिजल्ट मेरे को एक फाइल के अंदर चाहिए। इन तीनों फाइल का जो मेरा डेटा है वो एक फाइल के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए या फिर कंसोलिडेट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जाता हूं मेरी फाइल के ऊपर, जो मेरे पास रिजल्ट नाम की फाइल है, जो मैंने न्यू फाइल बनाई हुई, उस फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। और ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है कंसोलिडेट करने के लिए फाइल को, तो फ्रेंड्स आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद आपको जाना है कंसोलिडेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कंसोलिडेट के अंदर जाओगे फ्रेंड्स, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके सबसे पहले लिखा हुआ है सम फंक्शन। तो इन तीनों फाइल्स का जो इन तीनों फाइल है एक्सेल की अलग अलग, उन तीनों को आपको सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने सम आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट होता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आपको कौन कौन से डेटा आपको लेने हैं या कलेक्ट करने हैं या फिर कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने हैं। तो रेफरेंस के ऊपर फ्रेंड्स आपको ये ब्राउज करने का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अलग अलग फाइल्स हैं तो इन फाइल्स को आपको ब्राउज नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ब्राउज से फाइल को सेलेक्ट करते हो, लेते हो, तो आपके कुछ एरर आ सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप यहाँ पे अपन कह सकते हैं रेफरेंस के ऊपर जाइए, जो भी आपकी फाइल है एक्सेल की, उस एक्सेल की फाइल के ऊपर जाइए। तो फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले मेरे पास दिसंबर की फाइल है, तो मैं दिसंबर की फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कंसोलिडेट जो रेफरेंस का ऑप्शन है वो मेरे पास इसी फाइल के अंदर भी ओपन है। तो जस्ट आपको करना ये है, जो भी आपकी टेबल है उस टेबल को आपको कंप्लीटली सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, उस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डाउन एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ। डाउन एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको करना है फ्रेंड्स ऐड। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपकी जो दिसंबर का जो डेटा है, तो फ्रेंड्स आपका जो दिसंबर का डेटा है वो आपका ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट मेरे को जनवरी का डेटा ऐड करना है, तो मैं उसके लिए वापस आपके रेफरेंस के ऊपर जाता हूँ। रेफरेंस के ऊपर जाने के बाद जो मेरी जनवरी की फाइल है, उस जनवरी की फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, मेरी टेबल को वापस सेलेक्ट करता हूँ, वापस डाउन एरो को प्रेस करके मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐड करने पर आपकी जनवरी का डेटा भी ऐड हो चुका है। अब मेरे को फरवरी का डेटा ऐड करना है, तो वापस आपके रेफरेंस के ऊपर गए, आपके फरवरी के टेबल के ऊपर गए, आपकी फरवरी के टेबल को पूरा कंप्लीट सेलेक्ट किया और उसको डाउन एरो को प्रेस कर लिया, और लास्ट में करना ऐड। तो फ्रेंड, जैसे आप ऐड करोगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों मंथ का जो डेटा आपका ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन बता रहा है फ्रेंड्स आपको। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टॉप रो, टॉप रो के अंदर जैसे आपको सब्जेक्ट आपको चाहिए तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। लेफ्ट कॉलम के अंदर जो आपका नेम लिखे है वो नेम की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और आपको साइड में ऑप्शन बता रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, तो क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा इस ऑप्शन को भी आपको टिक मार्क करके यस कर लेना है। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको रिजल्ट आएगा उसके अंदर मालूम चल जाएगा। अब मैं करता हूँ इसके ओके के ऊपर क्लिक। तो फ्रेंड, जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट या इस तरह की टेबल आ जाएगी आपकी न्यू फाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में आपको प्लस के निशान बता रहे हैं, तो प्लस के निशान के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो रमेश के मार्क्स हैं वो आपको टोटल बता रहा है 73। तो 73 टोटल कैसा है, ये इसके दिसंबर के मार्क्स को, जनवरी के मार्क्स को और आपके फरवरी के मार्क्स को, तीनों मंथ की जो टोटल है वो आपके 23, 12 और 38, इन तीनों को मिलाकर ये 73 बता रहा है। और साइड में आपको सब्जेक्ट की टोटल बता रहा है, ये तो फ्रेंड्स आपको रमेश की टोटल बता रहा है। अगर मान लो आपको सोहन की टोटल देखनी, तो एज इट इज दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको तीनों मंथ की टोटल बता देगा नीचे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आपकी कितनी भी एक्सेल की फाइल को मर्ज कर सकते हो या फिर कंसोलिडेट करके किसी एक फाइल के अंदर उन सारा डेटा को लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आप एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करके या फिर कंसोलिडेट करके एक सिंगल फाइल के अंदर उनका डेटा लेकर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।